लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां उम्मीदवारों के लिस्ट को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। सभी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे की बातचीत भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर बात पक्की हो चुकी है। चिराग ने ये बातें बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद कही है। बताया जा रहा है कि बिहार एनडीए में शामिल घटक दलों की औपचारिक बैठक के बाद अगले एक से दो दिनों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों की औपचारिक घोषणा कर दिए जाने की संभावना है। इसी बीच सीट शेयरिंग के एक फॉर्मूले की खूब चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल दो प्रमुख दल बीजेपी और जदयू 40 में से 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके तहत बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर 5 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोद 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के प्रमुख नेताओं को भी सेट करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी एनडीए में शामिल करने का प्लान है। दावा किया जा रहा है कि जदयू ने अपनी गया और काराकाट की सिटिंग सीट मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ दी है। उधर चिराग गुट को जो 5 सीटें दी जा रही है उनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, नवादा और वैशाली शामिल है। मौजूदा दावों के मुताबिक पशुपति पारस गुट को एनडीए से लोकसभा की एक भी सीट नहीं दी गई है। पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिए जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने के साथ साथ पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान के समय वाले फॉर्मूले के तहत ये ऑफर दिया गया है। तब रामविलास केंद्र में मंत्री होते थे तो पारस बिहार कैबिनेट में मंत्री होते थे। उसी आधार पर चिराग दिल्ली की राजनीति करेंगे और प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाकर बिहार की राजनीति करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इधर पशुपति पारस लगातार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन दावा है कि ये सीट अब चिराग पासवान के साथ चली गई है। दरअसल साल 2019 में एनडीए ने लोजपा को 6 सीटें दी थी। इसमें 5 लोकसभा की सीटें थी और रामविलास पासवान को राज्यसभा की सीट दी गई थी। मगर इस चुनाव में एलजेपी 2 गुटों में बट गई है। एक का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं तो दूसरे का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच जारी गतिरोध के बीच माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो चुकी है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर बिहार में जीत हासिल की थी। इस बार एनडीए ने सभी 40 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ द भारत को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook या X पे देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।